दोस्तों ये है जी, 5 स्टार मॉडल है 744XT और स्वराज की जो एजेंसी है शामली उस पर सर्विस के लिए आया हुआ ट्रैक्टर है। और सुबह के अभी बजे हैं 9 और 9 बजे ही किसान भाई पहुंचे हैं। भाई साहब एक बार इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। पहले तो अपना थोड़ा सा परिचय करा दो, जितने भी किसान भाई आपको सामने से अपने चैनल पर देख रहे अपना परिचय कराओ। आपका गाँव कौन सा है? कैराना गाँव से है आप, और अपना नाम बताओ जी एक बार। दिलसाद है। अच्छा जी, जैसे आपने 744XT ले रखा, ये बिल्कुल मेरे को लग रहा है कि बिल्कुल 2022 है। किस मॉडल है ये? 22 मॉडल है। 22 मॉडल है। तो 22 में कौन से मतलब महीने में लिया था आपने? ये तो ये मंगाया था 12वें महीने की 10 तारीख को। मतलब 12वें महीने की 10 तारीख को। तो ये तो एक महीना भी नहीं है पूरा से। तो स्वराज कितने टाइम से चला रहे बाबू जी आप? हमारे चल रहे 2002 से। 2002 से? हाँ जी, 2002 से। 55 भी है, 25 भी है, हाँ 35 भी है, 44 भी है। तो पूरे मेरे हिसाब से आज 22 साल हो गए। और 2002 22 20 साल हो गए। 20 साल और मतलब 2100 साल चल गया। तो 2100 साल चल गया जी आपको। हाँ जी। फिलहाल ट्रैक्टर कितने ले रहे हैं आप? फिलहाल जो चल रहे हैं फिलहाल घर पे सारे तो 12 चल रहे इस टाइम। 13 जाएगा हमारा एक दो दिन। तो भाई साहब आपके पास तो जमीन काफी ज्यादा होगी मेरे हिसाब से, फिर 12-13 ट्रैक्टर ले रहे। हाँ जी। कितनी जमीन बो रहे आप? जमीन बो रहे हम कोई करीबन 400 बीघे। 700 बीघे करीब। किराया भी करो कुछ? हाँ किराए भी करें। किराया भी करो तो किराए में कितने ट्रैक्टर चला रखे बाबू जी? किराए में चल रहे 4-5 ट्रैक्टर किराए में और बाकी अपने काम में रखे। 4-5 ट्रैक्टर मतलब स्वराज के? अच्छा, स्वराज के ट्रैक्टरों में सारे 744 ही हैं फिलहाल, या कौन कौन से मॉडल ले रहे हैं आप फिलहाल? महाराज जी 35 भी है, 55 भी है, 44 भी है। कहीं 55 कितने मॉडल ले रहे हैं? 55 के? 55 के तो हमारे 8 मॉडल है। 8 मॉडल है, 8 ट्रैक्टर है। मतलब ये कितने कितने मतलब पिछले 3-4 साल में लिए या पहले ही हैं? कुछ नए पहले भी हैं, कुछ बाद के भी हैं। अच्छा जी। अच्छा एक बात और सही में, मतलब जैसे ये कितने घंटे चले गए वो ट्रैक्टर जो सर्विस पाया अभी? ये चल गया 43 घंटे। 43 घंटे पे मतलब ये पहली सर्विस है इसकी। ट्रैक्टर ले जा रहे और उसके बाद में किसी भी कंपनी पे मतलब 20-21 साल में किसी कंपनी में मतलब गए भी नहीं ना। या मतलब कि तो जैसे मतलब आप ये स्वराज ही चला रहे तो किसी एजेंसी पर गए ही नहीं या मतलब क्यों, ऐसा क्या कारण बना? हमें मजा ही नहीं आता। और ट्रैक्टर तो बाबू जी महिंद्रा भी बहुत अच्छे अच्छे ट्रैक्टर बनाए थे, न्यू होलैंड, जॉन डियर, बहुत सारी कंपनी। क्यों जी? हमारा पहले होलैंड लाए थे हम, बीच में मजा नहीं आया। होलैंड में क्या दिक्कत लगी? जो इसका मेंटेनेंस तो नहीं है, इसका टूट फूट का। टूट फूट कुछ नहीं है ट्रैक्टर में? अच्छा अच्छा, न्यू होलैंड ही लाए। अब महिंद्रा भी कुछ चला के देखा कभी? महिंद्रा भी लाए थे, हमें मजा नहीं आया, फिर हम तो ये चला रहे। नहीं जैसे महिंद्रा लाए नहीं तो महिंद्रा लोड कुछ कम था वैसे या लोड इतने ले वो भी? हाँ जी हाँ, इतना लोड था। ठाता नहीं लोग नु गए भाई, तेल ज्यादा ले ट्रैक्टर चौड़ी ये इसके स्वराज के कभी भी नहीं महिंद्रा को मुंडा मार दे। अच्छा 1500 का अंतर आवे, हम राजस्थान से तू भी लावे। हाँ 1500 का फालतू पिया वो महिंद्रा, 570 574 44 तो ज्यादा, 1500 का ज्यादा पिएगा। किस चीज की ट्रोली लेकर आए करो आप वहाँ से? थोड़ा लेकर आए करो, मतलब अगर राजस्थान साहब 572 में लेकर चलोगे और 744 में चलोगे तो 1500 का ज्यादा तेल पी ले। 1500 का यह बात मैं महिंद्रा वालों ने आज तक कही नहीं किसी ने भी, सब नु कहा भाई महरसा मतलब तेल ले तो 1 लीटर ही ज्यादा है पर स्वराज ज्यादा लेगा। अच्छा चलो ये बताओ, जैसे आप इतने ट्रैक्टर चला लिया आपने स्वराज के और आप मतलब 20-21 साल से सारे मॉडल ले रहे, इस ट्रैक्टर में XT जब से लिया आपने, XT कितने मॉडल है 744XT के आपके पास? छह ट्रैक्टर 44XT हैं आपके पास। तो 6 ट्रैक्टर में इसमें 2-3 चीज ऐसी बताओ जो आपको सबसे बढ़िया लगती हो ट्रैक्टर में, सबसे बढ़िया ट्रैक्टर मतलब और ट्रैक्टर में। हाथ का क्लच दे दिया, सारी टेंशन खत्म कर दी। हाथ का क्लच कौन सा जी? यो तो उसका है PTO का। टेंशन खत्म हो गई। हाँ हाँ जी। दूसरी बात, पीछे ट्रेली जोड़नी कुछ भी जोड़ना उसमें पिक्चर दे दे जुगाड़ वो जो आपको दिखा दो। भाई साहब बात कर रहे जी अपना ये मतलब PTO का जो लीवर दे रखा ये इंडिपेंडेंट उसकी बात कर रहे हैं। दूसरा आप भाई साहब बात कर रहे हैं हमसे इसकी ट्रोली जोड़नी जी, कहाँ है लीवर? लीवर खोल रखा। अच्छा लीवर खोल रखा, ये सर्विस पे आ रहा है ट्रैक्टर तो ये सर्विस पे लीवर खोल गया उसकी मतलब साफ सफाई करके देंगे। तो ये मतलब अपना हाइड्रोलिक का लीवर दे दिया, दो चीज तो ये बढ़िया लगी आपको, और क्या लगा जी? मैं आपको दिखा दूं दोस्तों, ये जो है ना लीवर इसे बोलते हैं इजी हिच, इसका स्टिकर भी लगा हुआ देखो यहाँ पर,
इजी हिच के नाम से है और यूज ये पूरी इसकी मेंशन कर रखा, ये बहुत ही कंफर्ट है। मतलब अकेला बंदा ही अपनी ट्रोली या मतलब कोई भी इम्प्लीमेंट हो, कुछ भी जोड़ना हो तो अकेले ही जोड़ ले। आ जाओ जी, इधर आ जाओ आप। अब ये बताओ इसके अंदर आपको इससे और क्या चीज, जैसे पहले से स्वराज चला रहे थे आप, 44 में चला रहे, 800 में, उनमें से इसमें क्या फर्क लग गया? अच्छा, 55 से कुछ ज्यादा चाल होता है इसकी पहले गियर में, ऐसा है? मतलब जो 855 है उससे ज्यादा चाल है पहले गियर में, और दूसरे में? दूसरे में तो फिर फालतू ही हो जा इसकी, फालतू हो जा। मतलब जैसे आप रोटरी चलाओ इस ट्रैक्टर पे, तो पहले में चलाया करो या दूसरे में चलाया करो? दूसरे में चलाओ। और पहले में नहीं हम चलाते, हम तो दूसरे में चलाना, ना दबता है ना कुछ। अच्छा, दूसरे में चलाओ, नहीं थोड़ा सा जैसे चाल ज्यादा हो जाएगी तो फिर मतलब बांध भी तो बारीक नहीं करने का ना ट्रैक्टर? टॉप करा जी। अच्छा, उसके बाद में जैसे आप इतने दिन से चला रहे, 44 XT है और 44 FE भी चला रहे होंगे आप, यहाँ जो लिखे रहता है ये तो लिख रहा है XT, यहाँ FE लिखे रहा है, उसमें और इसमें क्या फर्क है जी? इसमें जी चाल का फर्क है, और इंजन के दम में? इंजन का दम भी ज्यादा इसका, इसका ज्यादा लगे आपको? कुछ भाई ने कहता भाई मतलब ये मतलब कैटेगरी मेंशन कर रखी है 52 HP है और मतलब उससे सेम इंजन है, मतलब ये कुछ ज्यादा है उससे? ज्यादा है। तेल का खर्चा भी कुछ थोड़ा सा सीजल होगा इसका, सोचता है? नहीं जी, 19-20 का ही फर्क है, थोड़ा बहुत ही फर्क है। चलो इतना चल जाएगा, क्योंकि जब ट्रैक्टर कैटेगरी बढ़ेगी तो उसके हिसाब से तेल तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेगा। अच्छा जी, ये तो होगी बात। इस ट्रैक्टर में आपको मेरे को बिल्कुल सही बताना, क्योंकि आप हो किसान, इसमें कंपनी को कुछ ऐसा बदलाव एक दो ऐसा करना चाहिए था जो और बढ़िया रहता। हाँ। कुछ एक दो चीज ऐसी बताओ मैं जी, क्या और करना था उन्हें कुछ? मैं जी बम्पर का जो वार्ड बदलना था क्या? बम्पर का? हाँ। ये बम्पर का जो सेटिंग है ये बढ़िया नहीं दे रखा कंपनी ने, ये प्लेट लगा है ना। हाँ। चुल्लाना चाहिए 55 की डाल जी, सोना लगा। हाँ, मतलब ये इसका बढ़िया जुगाड़ नहीं दे रखा कंपनी ने, बम्पर का बढ़िया जुगाड़ नहीं है। ठीक है, वैसे तो बम्पर लगवाई ले, सभी लगवा ले, देखो बम्पर इन्होंने लगवा भी रखा और बहुत ही बढ़िया बम्पर लगवा रखा, मजबूत ये बम्पर लगवा रखा। और मतलब इसका जो है सेटिंग थोड़ा सा भाई कंपनी की तरफ से क्या है कि कंपनी को सुझाव है इस चीज का कि भाई इसका सेटिंग बनाओ थोड़ा सा, जैसे 855 का आपने सेटिंग दे रखा है ना बम्पर लगाने का, ऐसा सेटिंग कर दो। और क्या बदलाव करे जी? ये एक तो ये हो गया, एक और बताओ जो आपको और थोड़ा सा कुछ चेंज कराना हो ट्रैक्टर में, जैसे आप इतने दिन से चला रहे स्वराज, और सारा ठीक है? अच्छा, और ये जो आपको किसी भी ट्रैक्टर में मिलता है ये वाली चीज जो फुटरेस्ट है इसके अंदर? ये नहीं मिलता, ये किसी भी कंपनी अपने ट्रैक्टर में लगा के देती है ये चीज, सबसे बढ़िया लगा है क्योंकि जब आदमी इसमें पैर रखकर कंफर्टेबल बैठ जाता है ये। और अगर हम लोड ले रहे ट्रोली व्रोली पीछे है लंबे रूट पे है तो आराम से इजिली बैठ जाता है आदमी इस पे बहुत आराम से। ये आपने ले रखा जी पावर स्टीयरिंग और 14 के टायर वाला है ना? 14 के टायर वाला। अच्छा जी, अब ये बताओ इसे, ये तो लिए हुए आपको यार एक महीना भी पूरा नहीं हुआ, मतलब 43 घंटे चला। हाँ। जो पहले ट्रैक्टर चल रहे दो दो तीन तीन साल पुराने, उनमें कुछ टूट फूट आई हो? ना जी, कुछ नहीं टूट फूट है, मजबूत लोहा है मतलब। अच्छा जी, तो दोस्तों ये था अपना कस्टमर का मतलब एक्चुअल रिव्यू था जो कस्टमर ट्रैक्टर खरीदता है, और ये है जी स्वराज का सर्विस सेंटर पूरा शामली के अंदर। कोई भी भाई अगर ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं मतलब स्वराज का, तो आके एजेंसी भी शामली में या करनाल रोड पे, और सर्विस एरिया भी पूरा कंप्लीट यहीं पर है, ये पूरा सर्विस सेंटर है। एक हमारे फोरमैन साहब ये इधर हमारा वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा बात करेंगे हमसे, और मेन फोरमैन साहब अभी आए नहीं, उनसे मिलवाता आपको। तो जी ये था कस्टमर रिव्यू अच्छा लगा दोस्तों तो शेयर जरूर कर देना, और जितने भी चैनल पर नए भाई हैं भाई चैनल सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार किसान भाइयों।